हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ओरियो बॉल्स, बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये भी मैंने आज चिल्ड्रन स्पेशल रेसिपी है, रेसिपी नंबर 2 है। फर्स्ट रेसिपी अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप उसे भी जाकर देख लीजिए। जो रेसिपी मैं ये बता रही हूँ ये बच्चों के लिए है, बच्चे विदाउट किसी फायर के आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुक विदाउट फायर रेसिपी। तो इसके लिए चाहिए मुझे कंडेंस मिल्क, ये मेरा घर का बना हुआ है, आप इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। हाफ कप मुझे चाहिए कंडेंस मिल्क और ओरियो बिस्किट, आप कोई भी फ्लेवर के ले सकते हैं। मैंने इसको व्हाइट प्लेन वाले लिए हैं और 10 से 12 मेरे पास ओरियो बिस्किट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। अभी बिस्किट ले लेंगे और इसको ओपन कर देंगे, इसकी जो क्रीम है इसको अलग कर लेंगे। इसी तरीके से सारे बिस्किट्स की मैं क्रीम अलग कर लूंगी। मैंने सारे बिस्किट में से क्रीम अलग कर ली है और बिस्किट अलग कर लिए हैं। अब इसको मैंने ग्राइंड कर लीजिए, ग्राइंड नहीं तो आप बच्चों को आप क्या कर सकते हैं, जिपलॉक बैग में देके बिस्किट डाल दीजिए और उसके ऊपर बेलना चलवा दीजिए उनसे। बच्चों को मजा भी आएगा ये एक्टिविटी करने में और आपका काम भी हो जाएगा। मैं ले लूंगी एक ग्राइंडिंग जार और इसमें सारे बिस्किट मैं डाल दूंगी। आपने इसको ग्राइंड करना है, इसका एक पाउडर फॉर्म देनी है। आप उस तरीके से जिपलॉक बैग से भी कर सकते हैं, उसका चूरा बनाना है, वो बच्चे बहुत इजीली बना भी लेंगे और बहुत मज़ा भी आएगा उनको। मैं इसको कर लूँगी ग्राइंड, मैंने इसको कर लिया ग्राइंड पूरा, इसमें डाल दूँगी बाउल में। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपना कंडेंस मिल्क, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, एक डो की तरह बनाएंगे इसको हम। अच्छे से मिक्स करेंगे पहले, फिर थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं और इसको फिर मिलाएंगे। तो गाइस देखिए मेरा डो रेडी हो गया है। अगर आपका स्पैचुलर से ना हो रहा हो तो आप हाथ की सहायता से भी इस तरीके से डो रेडी कर रहा है, इस तरीके से आप कर लीजिए। इसको कर दूंगी मैं साइड में। अब ले लेंगे हम अपनी क्रीम और क्रीम को भी अच्छे से हम मिला लेंगे। चॉकलेट का डो भी मेरा रेडी हो गया है, क्रीम को भी हमने फेंट लिया है। अब मैं एक लूंगी छोटा सा पार्ट, बिल्कुल छोटा सा लेंगे और इस तरीके से इसको एक राउंड देंगे और इसको दबा देंगे। इसमें फील करेंगे थोड़ी सी अपनी क्रीम, इसको वापस से एक शेप दे देंगे। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। अब इसको रख देंगे इस पे और इसी तरह रेडी करेंगे। एक छोटी सी नींबू की साइज की हम लेंगे और इसको इस तरीके से फिंगर से दबाएंगे, इसमें फिलिंग भरेंगे अपने, वापस इसको राउंड करेंगे। कितनी सुंदर लग रही है। इसी तरह हम सारी अपनी रेडी कर लेंगे। ये देखिए सारा मेरा रेडी हो गया। अब मैंने ले ली एक प्लेट, व्हाइट कलर में ली है और इसके ऊपर कर दिया मैंने चॉकलेट सिरप। इस तरीके से कोई भी आप शेप दे सकते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रीजर में रख दिया जिससे कि ये थोड़ा सा जम जाए, अच्छा लगता है ये। अब यहाँ पे रखेंगे हम अपनी ओरियो बॉल्स। आप अपने पसंद के अनुसार कैसे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अब हम लेंगे इस तरीके का एक स्ट्रेनर जो हम चाय वगैरह छानने के लिए लेते हैं, तो इसमें डालेंगे हम, या तो आप नारियल का बुरादा ले सकते हैं वो आप इससे डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर आप शुगर को थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए और वो इसके ऊपर करिए, बहुत ही सुंदर लगता है।
तो रेडी है मेरी ओरियो बॉल्स। इसको एक घंटे के लिए आप सेट होने के लिए रख दीजिए या फिर 15 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए। बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत क्विक भी बन जाती है। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। स्कूल में कभी भी कॉम्पिटिशन हो, कुकिंग कॉम्पिटिशन, तो बच्चे इसको आसानी से बना सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। चलिए फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।